427 बटा 14 जो FIR थी उसमें संत रामपाल दास जी महाराज और उनके साथ जो अनुयायी थे जिनको बंद करके रखा हुआ था उन सभी को बाइज्जत कोर्ट ने हिसार कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। अभी कौन कौन से मामले अब आगे के विचाराधान जो चले 428 बटा 14 429 बटा 14 और 443 बटा 14 430 बटा 14 वो आगे चल रहे हैं। इन दो केसों में 426 बटा 14 427 बटा 14 में संत रामपाल दास जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और मैं आप सबको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी हिंदू सभ्यता संस्कृति के रक्षक जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनका पूरा नाम केवल रामपाल ना लिखा जाए संत रामपाल दास जी लिखा जाए। आप लोग भी अपने इस बात को नोट करके रखें। जो चैनल है अखबार है प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दुख होता है हमें जब निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है। सुनिए आप मेरी सुनने के शब्द कोर्ट ने कहा आप पर सारे चार झूठे साबित होते हैं और आप सबको दोनों केसों में अलग अलग केस में उन्होंने बताया पहले 426 बटा 14 में बताया फिर दोबारा 427 बटा 14 में बताया ऐसा कुछ भी लगा नहीं। बाइज्जत बरी का मतलब होता है आप पर जो भी आरोप लगाए थे पुलिस ने वो पूरी तरह से निराधार झूठे साबित हुए हैं और बाइज्जत बरी कर दिया गया। किसने और मुकदमे अभी है जिनका विचारण चल रहा है क्लियर बता दें ये जो मुकदमों की संख्या अब एक FIR 428 बटा 14 है 429 430 बटा 14 443 बटा 14 ये FIR और है वो चल रही है। चलो सही ये केस सबसे पहले शुरुआत में यही केस लगाए गए थे जो पूरी तरह से कोर्ट ने साबित कर दिया झूठे थे पुलिस ने झूठा फंसाया गया था। इसलिए मेरा आप सब फिर अनुरोध है कि केवल उस तरह से आज आधुनिकता के दौर में ऐसा मत करिएगा कि भारत की सभ्यता हिंदू सभ्यता संस्कृति चूर चूर हो जाए और ये चीज हो। इसलिए आपसे पूरा उत्साह है।